If 46n is divided by 18, then what is the value of n? ओके भाई देखो 46n जो है 18 से डिवाइड विभाज्य 18 से विभाजित करने में ये कहता है कि वो संख्या 6 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो क्योंकि 6 गुना 3 18 होता है, 2 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन 46 और n लास्ट कर देते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है, फिर 2 भी का भी आंसर लगा सकते हो ना। देखो 2 का विभाजित करने में कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए भाई, सम संख्या होनी चाहिए और सम संख्या तीन ऑप्शन यहाँ से देख रहे हैं, एक ऑप्शन कट गए। 9 से विभाजित करने में कहता है कि सबको जोड़कर 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 4 10 प्लस एन, एन की जगह पर हम क्या रखें कि विभाज्य हो जाए, 2 रखोगे 4 रखोगे 8 रखोगे, तो आप बोलोगे भाई एन की जगह पर हम 8 रखेंगे तो संख्या बन जाएगी 18 जो कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो एन की जगह पर जो संख्या आएगी कौन से संख्या आएगी, 8 आएगी, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि वो नंबर्स टोटल अगर आपसे पूछे कि पूरा नंबर्स कितना हो गया, तो हो जाएगा कितना, 4 6 8। ओके, एन के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा।